पोस्टर शो किया था उसी के रिलेटेड हम पढ़ेंगे चीजें। तो यूरेका का मतलब आप जानते ही हो, गॉट है ना? इट यूरेका का मीनिंग क्या? गॉट इट। हाँ, आई हैव फाउंड इट, है ना? तो बड़ा तो फेमस ये पुस्तक है ना, और आर्किमिडीज मुझे प्रिंसिपल था। यस सर। हाँ, बिल्कुल सही है। और पुलिस को ना उसके जो किंग था उसने एक क्राउन दिया, बोला पता करके बताओ ये प्योर गोल्ड का है या नहीं, है ना? तो उसको बड़ा आइडिया नहीं लग रहा था। अचानक से वो जब मैं बाथ टब में उसने जब बाथ टब में था तो उसने देखा कि जितना वो उसके अंदर गया तो जितना अमाउंट उसका वॉल्यूम था ना पर्सन का, उतने वाटर बाहर निकल गया। वहीं से उसको क्लिक किया कि हम क्राउन की प्योरिटी कैसे चेक कर सकते हैं, है ना? उसने इतना एक्साइटेड हो गया कि वहीं से उठ के पूरे वॉक करने लगा, रन करने लगा और बोला यूरेका यूरेका, कि भाई मुझे पता नहीं लगा कि क्राउन की प्योरिटी हम कैसे निकाल। बड़ा ही फेमस स्टोरी है। तो आज उसी के ऊपर आपका डिस्कशन, आज जो हम चीज पढ़ेंगे विल स्टडी द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना? यहाँ पे जो चीजें पढ़ेंगे आज वी स्टडी द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। मिडिस प्रिंसिपल है ना, ये आपका है, ठीक है? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल एकदम सिंपल सा है कि आर्किमिडीज ने जो चीज ऑब्जर्व की कि जितना उसका वॉल्यूम था उतने इक्वल अमाउंट का लिक्विड जो है वो बाथ टब से बाहर निकल, तो उसी के बेसिस पे उसने जस्ट एक प्रिंसिपल दिया, है ना? और वो प्रिंसिपल ये था, सर वेरी वेरी प्रिंसिपल। मैंने अभी अभी ज्वाइन करा सर, आप बता सकते हैं आपने अभी तक क्या करा? हाँ कुछ नहीं बेटा, मैंने ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिखा है, अभी तक कुछ भी नहीं करा है। यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिखा है मैंने। वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जस्ट आपका ये था कि व्हेन सॉलिड इज सबमर्ज्ड इन लिक्विड, कि जब भी किसी सॉलिड बॉडी को हम लिक्विड में सबमर्ज करेंगे, व्हेन सॉलिड बॉडी इज सबमर्ज्ड राइट इन लिक्विड, लिक्विड देन ए फोर्स एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ए फोर्स एक्ट इन अपवर्ड इफेक्ट इन अपवर्ड ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस नोन एज अपथ्रस्ट और बॉयंसी फोर्स, अपथ्रस्ट और बॉयंसी फोर्स, है ना? कि फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस नोन एज ए अपथ्रस्ट और बॉयंसी फोर्स एंड इट इज इक्वल टू राइट वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस है ना, ये आपका कंप्लीट आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। व्हेन सॉलिड बॉडी इज सबमर्ज्ड इन लिक्विड व्हेन ए फोर्स एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं अपथ्रस्ट या बॉयंसी फोर्स, और वो किसके इक्वल हो जाएगा वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, है ना? तो ये कंप्लीट जो स्टेटमेंट है यही आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है ना। इसमें मैंने एक लाइन जोड़ दी है क्योंकि आर्किमिडीज को ये नहीं पता था कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है, है ना? तो ये मैंने लगा दिया क्योंकि अब हम जानते हैं ये कोई फोर्स अलग फोर्स नहीं है बल्कि दिस फोर्स अराइज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। तो सो प्रेशर व्हाट डिफरेंस इज की द वजह से मीनिंग ऑफ द लास्ट स्टेटमेंट? मैं अभी बताऊं, बॉयंसी फोर्स एंड इट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस, आई विल एक्सप्लेन दिस कि इस चीज का बेसिकली आपका मतलब वेट ऑफ डिस्प्लेस। तो हम यहाँ पे जस्ट इस चीज को डिराइव भी कर सकते हैं कि आर्किमिडीज ने जो जस्ट ऑब्जर्वेशन से प्रिंसिपल दिया था कि उस जब वो बाथ टब में गया तो कुछ लिक्विड बाहर निकल गया, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेस लिक्विड, और वो जो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट है उसी अमाउंट का उस सॉलिड बॉडी के ऊपर अपवर्ड फोर्स है ना, कि जो लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया उसी अमाउंट का एक अपवर्ड फोर्स लगता है, उसी को हम बोलते हैं अपथ्रस्ट या बॉयंसी फोर्स। तो सिंपल से मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि सपोज मैंने यहाँ पे किसी बॉडी को सबमर्ज किया, कंप्लीटली भी कर सकते हैं पार्शली भी कर सकते हैं, तो मैं कंप्लीटली करता हूँ
कोई भी लिक्विड है, इस लिक्विड की डेंसिटी सपोज आप ले लो इस केस में लिक्विड की डेंसिटी रो एल है ना, और इसमें हम क्या करते हैं कोई सॉलिड बॉडी सबमर्ज कर देते हैं, तो इस सॉलिड बॉडी में अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स है ना, ये जो सॉलिड बॉडी है इसकी आप डेंसिटी ले लो सपोज आपका रो एस, ये लिक्विड की डेंसिटी रो एल है और सॉलिड बॉडी की डेंसिटी कितनी है कि आपकी रो एस है, तो हम देखते हैं कि जैसे हम इसको सबमर्ज करेंगे ना ये कुछ इस तरह देखो भाई जहां पे पहले लिक्विड था उसकी जगह पे सॉलिड बॉडी आ गई ना, तो जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो क्या होता है इसमें प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं जैसे आपका बॉयंसी फोर्स, भाई इसमें क्या लगेगा कि जैसे हम सबमर्ज करेंगे तो इसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा एंड दैट फोर्स इज नोन एज ए बॉयंसी फोर्स, FB stand for buoyancy force. तो पहले भी जानेंगे कि भाई ये buoyancy force लगी क्यों रहा है? तो इसका cause जो था वो pressure difference था, है ना? क्योंकि होगा क्या? इसको मैं भी हटा देता हूँ buoyancy force. क्योंकि buoyancy force and pressure difference एक ही चीज होती है. तो भाई क्या होगा कि अगर मैं इस लेवल पे बात करूँ, इस लेवल पे लिक्विड का प्रेशर सपोज कोई P1 है, तो डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ जाएगा. इस लेवल पे लिक्विड का प्रेशर क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा. यहाँ पे अगर लिक्विड का प्रेशर P1 है तो यहाँ पे लिक्विड का प्रेशर क्या होगा P2, एंड हम जानते हैं कि P2 की वैल्यू P1 से क्या होगी? ज्यादा होगी. ये हाइट सपोज इस ऑब्जेक्ट की h, इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है इसकी आपकी h, और डेंसिटी तो सेम होगी हर जगह पर. बोलो बेटा सर, डेंसिटी तो लिक्विड में हर जगह सेम होगी सर, फिर आपने रो s और रो l लिख रखा है. नहीं मैंने कहा बोला सॉलिड बॉडी है बेटा, सर फिर सॉलिड बॉडी अगर हम इसमें समझ नहीं करेंगे तो भी क्या बॉयंसी फोर्स लगता है? नहीं तब क्यों लगेगा फिर कोई तभी तो प्रेशर डिफरेंस P1 और P2 द ऑयल जब वाटर पे हां मेरे क्लास शुरू बेटा वाटर पे लग जाएगा फिर वो ना फिर उसको सर यू आर म्यूटेड सर आपका माइक म्यूट हो गया अगर यहाँ पे पूरा है वाटर भी होता तो भी बॉयंसी फोर्स लगता, फिर उस केस में बॉयंसी फोर्स और लिक्विड का वेट क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, इसलिए हम उसकी उतनी बात नहीं करते. तो अभी मैंने क्या किया, एक सॉलिड बॉडी जिसकी की डेंसिटी अलग है और लिक्विड जिसकी की डेंसिटी अलग है इसको सबमर्ज कर दिया, सबमर्ज करके हाथ से पकड़ कर रखा होगा, मे बी सिंक वगैरह करने नहीं दिया होगा या ऊपर मूव करने नहीं दिया होगा. तो यहाँ पे जैसे हम करेंगे आपको होता है यहाँ का प्रेशर P1 हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा, तो एक ऊपर से फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, ये फोर्स जो हो जाएगा P1 into area हो जाएगा, और एक नीचे से ऊपर फोर्स है ये आपका लग जाएगा P2 into area इस पोर्शन की हो जाएगी. और अभी आपने बोला है कि डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता है ना, तो P2 की वैल्यू अगर P1 से ज्यादा होगी तो एक अपर डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स लगती है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं सके आपका बॉयंसी फोर्स. तो अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे बॉयंसी फोर्स, तो बॉयंसी फोर्स जस्ट इसके इक्वल हो जाएगा P2 माइनस P1 इनटू एरिया. ऊपर से P1 इनटू एरिया लग रहा है, ऊपर से P1 इनटू एरिया लग रहा है, अगर P2 की वैल्यू P1 से ज्यादा है तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं बॉयंसी फोर्स. बॉयंसी फोर्स कोई अलग फोर्स की वजह से लगता है, भाई यहाँ पे लिक्विड का प्रेशर कुछ अलग लग रहा है, यहाँ पे लिक्विड का प्रेशर कुछ अलग लग रहा है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं इसलिए आपका बॉयंसी फोर्स. सो P2 इज द इन दिस एज एरिया P2 इज द प्रेशर एंड A इज द एरिया. सर P2 इज द प्रेशर है और A क्या है जो मैंने ये पोर्शन लिया उसका एरिया है, प्रेशर इनटू एरिया ही तो फोर्स होता है, वे नीचे से जो ऊपर फोर्स लगेगा वो आपका हो जाएगा P2 इंटू एरिया, और ऊपर से जो नीचे फोर्स रहेगा वो P1 इंटू एरिया होगा. हाँ तो यहां से मैंने क्या कर लिया P2 माइनस P1 इंटू एरिया कर दिया,
अब आपको पता है ये जो पी टू माइनस पी वन होगा इसकी वैल्यू हम जानते हैं, पी टू माइनस पी वन की वैल्यू रोजियस होगी, भाई डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज होता है ना, कितने अमाउंट से इंक्रीज होता है रोजियस, तो जब मैं यहाँ पे पी टू माइनस पी वन लिखूंगा तो पी टू माइनस पी वन हो जाएगा रो जी एच इंटू एरिया। अब ये रो किसकी रो होगी, सॉलिड की या लिक्विड की? सर लिक्विड की। अब लिक्विड की क्योंकि अभी सॉलिड की डेंसिटी से हमें क्या मतलब, हम तो लिक्विड का प्रेशर ले रहे हैं ना, कि लिक्विड इस सॉलिड के ऊपर ऊपर से इतना फोर्स लगा रहा है और लिक्विड इस सॉलिड के ऊपर नीचे से ऊपर इतना फोर्स लगा रहा है, तो प्रेशर डिफरेंस जो निकाल रहे हैं वो लिक्विड का प्रेशर है, तो यहाँ पे जो डेंसिटी जो होगी वो लिक्विड की, तो हमेशा बॉयंसी फोर्स की जो डेंसिटी आती है वो लिक्विड की आती है। पी टू माइनस पी वन आपने रोजियस पुट कर दिया, अब यहाँ से आप देखो कि जो एच इंटू एरिया होगा ये वॉल्यूम हो जाएगा, यहाँ से रो एल इंटू वॉल्यूम इंटू जी आर, तो इसका एरिया अगर ए है और एच हाइट है तो वॉल्यूम भी हो जाएगा, और लिक्विड की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा एम जी। अब ये एम जी किस चीज का वेट, वॉल्यूम कैसे कर दिया सर, ये वॉल्यूम ही बस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, एमजी सॉलिड का वेट है, सिलेंडर है इसका वॉल्यूम क्या होता है, ये इसका एरिया है और ये इसकी हाइट है, है ना, तो ये जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इनटू हाइट हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। वैसे तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, लेकिन हम ये बोलेंगे जितना ये सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतना ये डिस्प्लेस कर रहा होगा, उतने ही अमाउंट का वॉल्यूम है, क्या निकाल सके आपका ये लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, तो इस वी को कई बार हम ये लिख लेते हैं, इसको भी आप मत लिखो, इस वी को हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये किस चीज का वॉल्यूम है, डिस्प्लेस लिक्विड का, कि भाई अगर सॉलिड यहाँ नहीं होता तो यहाँ जिस जगह पे लिक्विड ही तो होती है ना, सपोज टॉप तक फिल्ड था, मान लो पहले भी टॉप तक ही फिल्ड था और सॉलिड बाहर था, तो यहाँ पे लिक्विड होती, अब आप अगर इसको सबमर्ज करोगे तो इतने वॉल्यूम ये डिस्प्लेस करेगा ना, क्योंकि यहाँ बाहर ओवर फ्लो कर जाएगा, है ना, तो यहाँ पे जो वी वैसे तो सिलेंडर का वॉल्यूम है लेकिन यही वॉल्यूम हो जाएगा जो लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है, और ध्यान दो ये वॉल्यूम है डिस्प्लेस लिक्विड का और डेंसिटी लिक्विड की है, तो जब मैं इसको लिखूंगा है ना, तो मैं लिखूंगा एम एल इंटू जी, क्योंकि अगर लिक्विड की आप डेंसिटी ले रहे हो, लिक्विड डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम लिख रहे हो, ये मास भी किसका आएगा, ये सॉलिड का मास थोड़ी होगा, ये मास भी किसका होगा, जैसे कि आपके लिक्विड का, तो इसी को हम बोलते हैं वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, और उससे आपने जी मल्टीप्लाई कर, तो इसी को हम क्या बोलते हैं वेट ऑफ राइट डिस्प्लेस लिक्विड, यही जो चीज होती है, क्या होती है, जैसे कि आपकी वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, मैंने बताया ना बेटा कि जब मैं इसको सबमर्ज करूंगा तो पहले यहाँ लिक्विड था, तो जब मैं सॉलिड को यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ का लिक्विड हट जाएगा ना, यहाँ से इसकी जगह पे सॉलिड आ गया, ये लिक्विड कहीं ना कहीं तो गया होगा ना, तो उसी को इसने डिस्प्लेस कर दिया, तो उसी को डिस्प्लेस लिक्विड बोलते हैं, भाई जब ये सॉलिड इसके अंदर यहाँ पे लिक्विड ही तो था, तो जब मैं इस सॉलिड को सबमर्ज कर दूंगा तो यहाँ से लिक्विड गायब हो जाएगा और वो चीज यहाँ से ओवरफ्लो कर जाएगी, तो जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड इसने डिस्प्लेस कर यहाँ से हटा दिया, और हटा के इसको बाहर क्या कर दिया, ओवरफ्लो कर दिया, वही चीज है कि अगर वी वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड है तो ये मास भी जो आएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये मास ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड आ जाए, और इसी को जब जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज क्या आएगा, जैसे आपकी वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड है ना, तो देखो यही चीज प्रूफ हो गई भाई, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल था उसने तो ये ऑब्जर्वेशन बोला कि भाई ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि भाई जितना मैं अंदर लिक्विड में जाऊंगा उतना लिक्विड क्या होगा, ओवरफ्लो होकर डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना, लेकिन ये चीज प्रूफ भी होगी कि जब भी हम किसी सॉलिड बॉडी को सबमर्ज करेंगे लिक्विड में तो एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, ये पी टू पी वन से ज्यादा, और उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट या बॉयंसी फोर्स, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, अल्टीमेटली किसके इक्वल हो गया, जब भी मैं सॉलिड को समर्ज करूंगा तो यहाँ से लिक्विड को हटा देगा,
उस लिक्विड के वेट के इक्वल एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं आपका बॉयंसी फोर्स। और करना ये सब चीजें तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई, अदरवाइज आप सिंपल सा बॉयंसी फोर्स की जब भी आप बात करोगे तो आप बॉयंसी फोर्स में ये लिख लेंगे कि जब भी किसी सॉलिड को हम लिक्विड में सबमर्ज करेंगे तो यहाँ पे एक बॉयंसी फोर्स लगते हैं, और वो बायंसी फोर्स जो होगा वो रो बी जी के इक्वल होगा। आप ऐसे लिखो सिंपल कि बायंसी फोर्स जो होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा सर, आपके रो बी जी, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है कि बायंसी फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, रो इंटू बी इंटू जी। तो इसमें रो ध्यान रखना कि रो जो होगी वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होगी, रो किसकी हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी आपकी लिक्विड की, और बी जो होगा This is your displaced volume, है ना? ये जी जो होगा क्या है आपका displaced volume। कितना इसने volume displaced किया? जितना ज्यादा volume में displaced करेगा उतना ही ज्यादा buoyancy force, है ना? और जी की जगह पे sometimes we can use the जी इफेक्टिव, जी की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं इसके आपका जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या होता है आपको पता है, जब कंटेनर ये मान लो अभी तो ये रास्ते है ना, ये ऊपर जाएगा है ना, तो जो अपरेंट वेट होगा बढ़ जाएगा, तो जी की जगह पे हम जी प्लस ए ले लेंगे अगर एक्सेलरेट अपवर्ड होता है तो, अगर ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट होगा तो जी की जगह पे हम क्या ले लेंगे जैसे कि आपका जी माइनस ए है ना। तो वैसे तो अगर ये अब तो सिंपल आपको जी लेना है, लेकिन जब ये एक्सेलरेटेड होगा है ना, यहाँ पे आप इस तरह से लो We take G effective if is accelerated, if vessel accelerate, जगह की vessel accelerate होगा तो हम G की जगह पे किससे ले लेंगे जैसे कि आपका G effective से। तो इसमें एक ही फॉर्मूला होता है, buoyancy force की वैल्यू रो है, और फर्दर मैंने प्रूफ किया है कि अल्टीमेटली किसके इक्वल होता है वेट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, सर अगर हमने एक बीकर लिया है और उसमें अगर सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम का हमने कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया है और उसका जो बीकर के वॉल से वो टच कर रहा है सर, क्योंकि बिल्कुल भी एयर नहीं है उनके बीच में सर, तो फिर क्या होगा? नहीं फिर बॉयंसी फोर्स नहीं लगेगा, बॉयंसी फोर्स लिक्विड की वजह से लग रहा है, फिर हम बॉयंसी फोर्स की बात ही नहीं करेंगे। बॉयंसी फोर्स तभी लगेगा जबकि उसके सराउंडिंग में कोई लिक्विड हो, अगर सराउंडिंग में लिक्विड नहीं है, अगर उस बीकर में वाटर है तो फिर वाटर रहेगा नहीं, जब उससे साइज का होगा तो वाटर तो बाहर निकल जाएगा, रहेगा कैसे सर? सर अगर उसकी बॉल के बीच में जगह नहीं है, हाँ ऑब्जेक्ट और बॉल के बीच में कोई जगह नहीं है तो फिर वो बाहर कैसे आएगा सर? ऑब्जेक्ट और उसके बीच में जगह नहीं है, अरे वो तो फिर कंप्रेस, फिर तो देखो क्या होता है ना, फिर तो केस ही वैलिड नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं पाएगा फिर तो, क्योंकि हम यहाँ पे जो लिक्विड ले रहे हैं ना वो इनकंप्रेसिबल लिक्विड है, हम सारा कुछ डिस्कस कर रहे हैं आइडियल लिक्विड। सर ग्रेविटी फॉर एयर के केस में जाएगा नहीं, उसके अंदर पाएंगे क्योंकि जो भी हम पढ़ रहे हैं इनकम्प्लीट आपको पता होना चाहिए कि भाई जैसे मैं बोलता हूँ इस तरह से आपका कि कोई लिक्विड इसमें फिल्ड है, अगर इस लिक्विड की डेंसिटी रो है और ये हाइट अगर एच है ना, तो आपको तो डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता है ना, कि अगर यहाँ का प्रेशर पी नॉट है तो इसके बॉटम का प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच हो जाएगा, रो है तो ई नहीं है, रो मीन्स डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो आप देखो यहाँ के प्रेशर और यहाँ के प्रेशर में डिफरेंस कितना हो जाएगा, रो जी एच का ही तो होगा। जब भी लिक्विड में किसी एच डेप्थ में हम नीचे जाते हैं एक प्रेशर डिफरेंस आता है,
इसकी बिल्कुल प्रॉपर डेरिवेशन है इसकी? सर की जो प्रेशर है बॉटम में सर ये रोजी एच के बराबर होता है सर प्लस पी नॉट सर इसकी कोई डेरिवेशन वो अभी मत करो। तो आपने एक सॉलिड समर्ज किया तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक फोर्स लगता है ना, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं अपनस क्या बॉयंसी फोर्स, और वो बॉयंसी फोर्स किसके इक्वल होता है रो वी इनटू जी, इसमें रो लिक्विड का डेंसिटी हो गया वी डिस्प्लेस वॉल्यूम हो गया, और जो जी है इसकी जगह पे हम जी इफेक्टिव ले सकते हैं अगर ये वेसल एक्सपेरेट कर रहा या अपवर्ड जा रहा होगा या किस तरह मूव कर रहा होगा वैसे कि आपका टर्म। अब एक चीज देखते हैं, देखो अभी कहीं भी इसमें इस सॉलिड की डेंसिटी नहीं है क्योंकि बॉयंसी फोर्स जो एक्ट करता है वो लिक्विड की वजह से करता है, उसको सॉलिड बॉडी से कोई मतलब नहीं है। बॉयंसी फोर्स किसकी वजह से एक्ट करता है ड्यू टू लिक्विड प्रेशर, तो उसमें सॉलिड का कोई एक्चुअली सर सर व्हाट इज जी इफेक्टिव? जी इफेक्टिव ये वही अपरेंट वेट है बेटा, अपरेंट वेट। जैसे मैंने अगर आपसे बोला कि जी इफेक्टिव हम यूज करेंगे जैसे ये पूरा का पूरा कंटेनर है ना, पूरा का पूरा वेसल जो है ना, इसमें आपने एक सॉलिड सबमर्ज कर दिया है ना, और ये पूरा का पूरा कंटेनर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो मैं अगर बोलूंगा इसमें एक अपवर्ड डायरेक्शन है बॉयंसी फोर्स एक्ट करेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बॉयंसी, वो जो बॉयंसी फोर्स होगा अब आप लिखोगे बॉयंसी फोर्स की वैल्यू हो जाएगी रो वॉल्यूम, ठीक है जी की जगह पे हम जी प्लस ए लेंगे क्योंकि अपरेंट वेट बढ़ जाता है ना, तो जी की जगह पे क्या आ जाएगा जी प्लस ए आ जाएगा, इसी को हम जी इफेक्टिव बोलते हैं, इसी चीज को हम क्या बोल सके आपका जी इफेक्टिव, जी की जगह पे दूसरा एक्सेलरेशन जब ऐड हो जाएगा उसको तो नेट जो एक्सेलरेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं जी इफेक्टिव। ऐसे मान लो एक कंटेनर नीचे जा रहा होता, इस पूरे केस में अगर मैं ऐसा ले लेता कि ये जो लिक्विड का कंटेनर है आपने इसमें लिक्विड फिल कर दिया, और ये जो कंटेनर है ये सपोज अगर नीचे जा रहा होता सर जी प्लस ए की जगह जी माइनस ए हो जाएगा, अगर हम इसको ए से नीचे ले जाते तो अब बॉयंसी फोर्स की वैल्यू हो जाती रो वी इंटू जी माइनस, वही चीज अपवर्ड जब एक्सेलरेट होता है तो जी की जगह पे जी प्लस ए ले, और जब डाउनवर्ड होगा तो जी की जगह पे हम क्या लेंगे जैसे कि आपका जी माइनस, लेकिन नॉर्मल केस में ये टाइम स्टेशनरी होता है इसलिए आपको ये रो वी जी लेना, कि बॉयंसी फोर्स की वैल्यू क्या होती है रो वी जी। अब एक चीज आता है कि यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो आप तो बोलोगे जो बॉडी का वॉल्यूम है वही डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा है ना, इसका जितना वॉल्यूम होगा उतने तो लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है, तो जो बॉडी का वॉल्यूम है वही डिस्प्लेस वॉल्यूम है, तो सही आपकी बात, बशर्ते कि बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज, अगर किसी केस में ऐसा हो जाए ना कि बॉडी इज कंप्लीटली सबमर्ज है ना, मैं इसको इस तरह से ले लूंगा कि किसी केस में अगर ऐसा हो जाए इफ बॉडी इज कंप्लीटली सबमर्ज, बॉडी इज कंप्लीटली सबमर्ज, है ना कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो जाए देन वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, है ना भाई, इस केस में अगर हम देखेंगे अगर बॉडी कोई कंप्लीटली सबमर्ज्ड है तो वॉल्यूम ऑफ ठीक है वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, लिक्विड डिस्प्लेस
अगर पूरा का पूरा समर्ज है तो बॉडी की वॉल्यूम जो होगी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के इक्वल होगी, लेकिन हो सकता है ना बॉडी पार्शियली समर्ज हो। सर उस टाइम पे द वॉल्यूम ऑफ बॉडी समर्ज इन वाटर होगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। बिल्कुल सही है, ये सिंपल सा बोलेंगे बॉडी इज पार्शियली समर्ज, पार्शियली समर्ज। उस केस में वॉल्यूम ऑफ द बॉडी जो होगी ना वो डिस्प्लेस वॉल्यूम नहीं होगी, बल्कि जो समर्ज पोर्शन होगा वो डिस्प्लेस्ड होगा। तो सिंपल सा ऐसे भी तो केस हो सकता है ना कि भाई कोई लिक्विड है इसमें मैंने पूरी बॉडी को समर्ज दी, है ना, पार्शियली समर्ज है ना। तो आपको ध्यान रखना कि जो डिस्प्लेस वॉल्यूम है ये पूरी बॉडी का वॉल्यूम नहीं होगा, बल्कि इतना वॉल्यूम ये डिस्प्लेस वॉल्यूम है ना। तो इस केस में सिर्फ इतने वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है ना। तो ध्यान रखना बॉयंसी फोर्स में आप हमेशा डिस्प्लेस वॉल्यूम लेते हो, वो वॉल्यूम लेते हो जो लिक्विड के अंदर समर्ज, जो लिक्विड से बाहर है उससे आपको कोई मतलब नहीं है ना। वो वॉल्यूम हम लेते हैं जो लिक्विड के क्या है सके आपका अंदर, हम वो वॉल्यूम नहीं लेते हैं जो लिक्विड के क्या है सके आपके बाहर, है ना। तो अगर पूरा समर्ज है तब तो दोनों वॉल्यूम सेम ही होंगे, लेकिन पार्शियली अगर समर्ज है हो सकता है डिस्प्लेस वॉल्यूम हाफ हो जाए पूरे बॉडी के वॉल्यूम के, वन फोर्थ हो सकता है, कुछ हो सकता है ना। तो ध्यान कि आपको इस फॉर्मूले में जब भी आप रो वीजी लिखते हो तो यहाँ पे वॉल्यूम जो लेना है वो डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम नहीं है, पूरी बॉडी के वॉल्यूम से आपको कोई मतलब नहीं होता, वो वॉल्यूम लेना है जो लिक्विड के क्या होगा जैसे कि आपका अंदर। अब एक चीज है कि जैसे आप कोई बॉडी लेते हो, अगर मैं उसको लिक्विड के अंदर समर्ज करके छोड़ दूं तो कई बार ऐसा होता है कि वो बॉडी सिंक कर जाती है। जैसे आयरन का अगर कोई बॉडी है तो उसको अगर हम लिक्विड के अंदर डालें और हाथ छोड़कर डालें तब तो सिंक कर जाएगा ना। लेकिन अगर मैं कोई प्लास्टिक या वुड की बॉडी ले लूं उसको करूंगा तो वो ऊपर आएगा, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा आपको करना होगा, है ना। सिंपल सा हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे सिंपल सा एक है कि मैं थ्री केसेस ले, यहाँ मैंने थ्री केसेस ले लिए कि पहला केस मैंने ये ले लिया भाई बॉडी को मैंने कंप्लीटली सबमर्ज कर दिया किसी लिक्विड में, है ना। यहाँ पे मैंने कंप्लीटली सबमर्ज कर लिया और ये बॉडी जो होती है ना ये यहाँ पे बॉडी इसी के अंदर रेस्ट हो इक्विलिब्रियम पे, है ना। भाई बॉडी जो होगी इसके अंदर क्या है कि आपकी इक्विलिब्रियम में आ गई, है ना। इसका वेट जो है बॉडी का नीचे एक्ट करेगा और इसके ऊपर बॉयंसी फोर्स ऊपर ले, है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि पूरा समर्ज्ड होके अगर बॉडी कोई इक्विलिब्रियम में है, इस वर्ड को आप इक्विलिब्रियम में, कि अगर कोई बॉडी पूरी समर्ज्ड होके इक्विलिब्रियम में है, हाँ, बॉडी का वेट mg है और बॉयंसी फोर्स f भी है, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो पक्की बात है mg की वैल्यू बॉयंसी फोर्स की इक्वल होगी, है कि वेट ऑफ द बॉडी बॉयंसी फोर्स के क्या होगा, इक्वल होगा। अब मैं जब मास लूंगा तो मास तो सॉलिड का ले रहा हूं ना, मैं लिखूंगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम, और बॉयंसी फोर्स में आपको पता है किसका डेंसिटी इनटू द लिक्विड का, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा क्योंकि कंप्लीटली सबमर्ज्ड है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी क्या होगा, सेम होगा। तो जब मैं वेट ले रहा हूं तो इस बॉडी का ले रहा हूं तो उसकी डेंसिटी ले लूं और बॉयंसी फोर्स में लिक्विड का आता है तो यहां से वीजी वीजी तो कैंसिल होगी। तो जब भी किसी बॉडी को आप लिक्विड में सबमर्ज करो और सबमर्ज करके हाथ हटा दो, अगर वो वहीं पे रहती है पूरी सबमर्ज्ड होके अगर इस तरह से फ्लोट करती है, है ना, तो उस केस में पक्की बात है ऐसा तभी होगा जब सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी सेम है, या ऐसा तभी होगा जब सॉलिड और लिक्विड की क्या होगी जैसे कि आपकी डेंसिटी सेम है। कि कहीं पे भी अगर बॉडी पूरा सबमर्ज्ड होके अगर ये फ्लोट कर रही है तो ऐसा तभी होगा जब दोनों की डेंसिटी सर ये थ्री केसेस किस चीज के हैं, हो सकता है किसी केस में ये केसेस वही है कि कब कोई बॉडी फ्लोट करती है और कब सिंक करती है। पहला केस तो ये हो गया कि अब दोनों चीज की डेंसिटी सेम होगी तो कंप्लीटली सबमर्ज्ड होगी। सेकंड केस आपका ये हो गया कि यहाँ पे आपने कोई सेम कंटेनर ले लिया और ये आपने इस तरह से बनाया,
है ना, कोई अलग डेंसिटी की बॉडी ले ली आपने, है ना, तो अलग डेंसिटी की बॉडी ले ली, इसका वेट कुछ डिफरेंट हो जाएगा, मे बी एम जी, इसके ऊपर एक बॉयंसी फोर्स लाएगा। अगर मैं इसके से बोलूं कि बॉडी का वेट अगर बॉयंसी फोर्स से ज्यादा है, कोई भी बॉडी फ्लोट अगर कर रही है लिक्विड के अंदर, तो पक्की बात है वेट बॉयंसी फोर्स के इक्वल होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगी। मान लो मैंने इसको इसके अंदर डाला और वेट की वैल्यू बॉयंसी फोर्स से ज्यादा है, बॉडी यहाँ नहीं रहेगी ना, बॉडी क्या कर जाएगी, जल्दी आपकी सिंक कर जाएगी। जब मैं इसको एक किसी बॉडी को सबमर्ज मैंने किया और हाथ हटाया, तो मैं देखता हूँ ये यहीं पे रेस्ट पे रहता, मतलब वेट की वैल्यू बायोंसी फोर्स के इक्वल हो। एक बॉडी को मैंने सबमर्ज किया तो देखा मैंने ये नीचे डाली, सिंक कर दी, है ना, कि बॉडी क्या कर रही है, जी आपके सिंक कर रही है। बॉडी सिंक होने का मतलब ये है कि वेट की वैल्यू बॉयंसी फोर्स से क्या होगी, ज्यादा। प्रॉब्लम से बात है, वेट की वैल्यू अगर बॉयंसी फोर्स से ज्यादा होगी तो वेट तो हम वैसे लिख देंगे रो एस बी इंटू जी, दिस विल बी ग्रेटर देन रो एल बी इंटू जी, यहां से बी जी विल बी कैंसिल्ड आउट एंड रो एस विल बी ग्रेटर देन रो, कि जो सॉलिड की डेंसिटी होगी वो लिक्विड से ज्यादा है। तो जब भी सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी सेम होती है तो बॉडी सबमर्ज्ड होके इक्विलिब्रियम में। अगर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होगी, लाइक हम किसी आयरन पीस को अगर हम वाटर में डाल दें, तो अगर ये होगा तो वेट ज्यादा होगा, अगर वेट ज्यादा होगा तो बॉडी क्या कर जाएगी, सेम। अगर मैं एक और केस ले लूं, लाइक कोई प्लास्टिक वगैरह की पीस ले लेता, जो लिक्विड है वो सेम होगा, सो देन वो रेस्ट पे आ जाएंगे। अगर आपने सबमर्ज करके हाथ हटा लिया तो यहीं पे रेस्ट पे रहेंगे, और अगर ये केस है तो वेट बॉयंसी फोर्स ज्यादा होगा, बॉडी सिंक कर जाएगी, बॉटम में चली जाएगी। इसी का अपोजिट केस अगर मैं ऐसा ले लूं कि यहाँ पे थर्ड केस में एक आपका कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने लिक्विड फिल, है ना, कंटेनर में आपने क्या फिल कर दिया, जैसे कि आपका लिक्विड और कोई बॉडी आपने सबमर्ज की, है ना, और हम देखते हैं कि बॉडी सबमर्ज होने के बाद ये ऊपर जा रहा है, लाइक प्लास्टिक को अगर हम वाटर के अंदर डाल के छोड़ दें तो ऊपर आ जाएगा, वुडन लॉक को छोड़ दें तो वो भी ऊपर आ जाएगा। अगर ये ऊपर जा रही है मतलब इसमें दो फोर्स लगते हैं ना, एक तो वेट लगता है बॉडी का और एक इसके ऊपर बॉयंसी फोर्स। अगर ये अपवर्ड मूव कर रहा है मतलब बॉयंसी फोर्स की वैल्यू वेट से ज्यादा, और अगर बॉयंसी फोर्स की वैल्यू वेट से सॉलिड वेट, जब भी कोई ऐसा सॉलिड हम सबमर्ज करते हैं जिसकी की डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से कम होती तो वो चीजें अपवर्ड मूव, और अपवर्ड जैसे मूव करेंगे आपको पता है क्या हमेशा बॉयंसी फोर्स वेट से ज्यादा होगा या कुछ हो जाएगा इसमें। हाँ बेसिकली इसका इसी का अगर हम कंटिन्यूएशन देखें तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये बॉडी सरफेस से बाहर आ जाएगी। बेटा माइक म्यूट कर दो, तो भाई बॉयंसी फोर्स अगर वेट से ज्यादा है तो मूव अपवर्ड होगा ये, अगर जैसे ऊपर जाएगा तो सरफेस से पहुंचेगा तो सरफेस से बाहर निकलना शुरू होगा, तो जैसे सरफेस से बाहर निकलना शुरू होगा आपको तो डिस्प्लेस वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा, और जब डिस्प्लेस वॉल्यूम कम होना शुरू होगा बॉयंसी फोर्स कम हो जाएगी, तो क्या होगा लिक्विड के बाहर आ जाएगा, ये कुछ पोर्शन इसका लिक्विड के बाहर आ जाएगा, है ना, और इसका वेट तो अभी कुछ नहीं है लेकिन बॉयंसी फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, है ना, इस केस में बॉयंसी फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा या फिर, है ना, भाई पहले बॉयंसी फोर्स एफी था पूरा सबमर्ज था, अब बॉयंसी फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, है ना, और कब तक ये बाहर निकलता रहेगा, जब तक कि बॉयंसी फोर्स डिक्रीज, एमजी और बॉयंसी फोर्स
सेम नहीं हो जाते हैं। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये पार्शली सबमर्ज है। कई बार हम देखते हैं ना कि कुछ चीजें लिक्विड में पार्शली सबमर्ज होके फ्लोट करती है, उसका सिंपल सा मतलब होता है कि पार्शली सबमर्ज अगर है तो सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से क्या होगी, सबसे आपकी कम। लेकिन अगर अगेन वही है कि ये पार्शली सबमर्ज होके भी अगर ये फ्लोट करना है, इफ इट इज फ्लोटिंग, तो वेट की वैल्यू अभी भी बॉयंसी फोर्स के इक्वल होगी। हाँ, इस बॉयंसी फोर्स के इक्वल नहीं होगी जब वो कंप्लीटली सबमर्ज, जैसे जैसे बाहर आएगा डिस्प्लेस लिक्विड कम तो बॉयंसी फोर्स डिक्रीज होगी, तो अब जो वेट होगी उस डिक्रीज बॉयंसी फोर्स के क्या होगा आपके इक्वल, है ना। ये कुछ केसेस होते हैं जो लिक्विड के अंदर आपने सबमर्ज किया, और अगर हमने हटाने के बाद ये चीजें ऊपर जा रही है मतलब बॉयंसी फोर्स की वैल्यू वेट से आ जाएगी, तो तब तक ये बाहर तक जाएगा जब तक फिर से वेट और बॉयंसी फोर्स इक्वल हो गया। इसी चीजों को अगर हम समराइज करेंगे तो मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करूंगा, उसको हम बोलते हैं कंडीशन फॉर टूटिंग या कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। बात एक ही होती है, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ व्हाट इज द कंडीशन फॉर फ्लोटिंग और इक्विलिब्रियम, है ना, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर फ्लोटिंग, कोई भी बॉडी अगर फ्लोट कर रही है ना, ये इक्विलिब्रियम है, कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग और इक्विलिब्रियम सेम ही चीज है ना। तो ये बॉडी फ्लोट या इक्विलिब्रियम में तभी होगी जब बॉडी का वेट, वेट ऑफ बॉडी विल बी इक्वल टू बायंसी फोर्स, बायंसी फोर्स। बॉडी फ्लोट कभी भी करेगी तो वेट ऑफ द बॉडी किसके इक्वल होगा, बॉयंसी फोर्स, चाहे वो पहले केस में हो चाहे ये फोर्थ वाले केस में, है ना। दोनों केस में जो वेट है वो बॉयंसी फोर्स के क्या है, इसके आपके सर पेपर की डेंसिटी तो वाटर से ज्यादा होती है सर, फिर वो वाटर पे फ्लोट क्यों करता है, वो सरफेस टेंशन होता है, अभी उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है, वो लिक्विड के सरफेस में ही फ्लोट करता है, उसको भी सबमर्ज करोगे तो नीचे चला जाएगा, वो अलग फिनोमेना है, वो लिक्विड के सरफेस पे फ्लोट करता है, जब अंदर चला जाएगा तो वो भी सिंक कर जाएगा। सर अंदर भेज देंगे सर तो वो फ्लोट ऊपर अपने आप आ जाता है, कहाँ आता है, पेपर अंदर नहीं आएगा, अंदर जाके देखो जरा पेपर कहाँ आएगा, वेट होके नीचे चला जाएगा। वो सरफेस पे जब तक रहता है तब तक फ्लोट करता है भाई। कि सिंपल चीज है कि कोई भी चीज अगर फ्लोट कर रही है तो वेट ऑफ द बॉडी बॉयंसी फोर्स की क्या होगी, इक्वल, अदरवाइज वो फ्लोट नहीं करेगी, है ना, चाहे वो पार्शली सबमर्ज्ड होके करे चाहे कंप्लीटली सबमर्ज्ड होके पीएम करते हैं, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस कंडीशन फॉर फ्लोटिंग पे आपके जो मेल्टर्स जो आएंगे ना वो किस पे आएंगे, कंडीशन फॉर ऑफ फ्लोटिंग पे, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसे, है ना, क्या कर सकते हैं इसे, जैसे अगर मैं कोई बहुत आपको एग्जांपल, इसमें एक से एक एग्जांपल आएंगे, है ना, तो अगर मैं कुछ एग्जांपल्स अगर यहाँ पर डिस्कस करूँ आपसे मैं, तो इसको पहले थोड़ा सा ध्यान दो। तो हम आ जाते हैं एग्जांपल पे, फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिक्स, ठीक है, चलो स्टार्टिंग से ही करवाना शुरू करता हूँ मैं। यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन,
soon we will convert it to the principal board. Next month से ना first November onwards है ना थोड़ा सा digital board में तुझसे पढ़ते नहीं तो soon we will be converting to the digital board. नोट कर रही है मींस वेट एंड बॉयंसी फोर्स विल बी इक्वल वेट और बॉयंसी फोर्स को इक्वल कर दो अपने आप आंसर आ जाएगा let me check what answer you are getting. हाँ युग शर्मा योर आंसर इज करेक्ट अंकित योर आंसर इज करेक्ट मयंक योर आंसर इज करेक्ट कुश योर आंसर इज करेक्ट ऋषित योर आंसर इज करेक्ट अमन गुप्ता योर आंसर इज करेक्ट मिसमी योर आंसर इज करेक्ट अंशिका योर आंसर इज करेक्ट सही बताया मैंने सर आप एक मिनट के लिए क्वेश्चन को मत बताओ सर बस एक मिनट ले लो यस सर है ना काफी लोगों के आंसर सही है ना तो आंसर काफी लोगों के सही है ना आदित्य कुमार योर आंसर इज करेक्ट है ना मैंने बोला ना एक ही लाइन का तो कंसेप्ट है नेक्स्ट क्लास में और भी इसके बहुत एक से एक चीज आएगी है ना कुछ कैंसर तो ऐसे होते हैं जो कि बहुत रिनॉट साइंटिस्ट में भी उसके आंसर में कंफ्यूज है मैं बताऊंगा वो कौन से क्वेश्चंस थे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हां नेक्स्ट क्लास इसकी फिर लास्ट क्लास होगी उसके बाद वी विल स्टार्ट द वर्क एनर्जी चैप्टर चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कुछ नहीं करना आपको इसमें शुभम अग्रवाल योर आंसर इज करेक्ट है ना डायग्राम बना लो इसने बोला है कि भाई यहाँ पे वाटर है जैसे कंटेनर इसमें आपने वाटर फिल कर दिया है ना और इस वाटर की जो डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी आपको पता होता है कि 1000 kg/m³ है ना तो इसमें कोई सॉलिड बॉडी सबमर्ज होके ऐसे फ्लोट कर रही है है ना फ्लोट वर्ड इसने बोला वो और कितना इसका पोर्शन फ्लोट बाहर है 1/4 पोर्शन वॉल्यूम अबव द सरफेस ऑफ वाटर है मतलब 1/4 जो वॉल्यूम है ना वो अबव है हां तो जो इसके अंदर होगा वो 3/4 हो जाएगा 3/4 ऑफ वी
टोटल वॉल्यूम अगर इसका भी है तो 3/4 वॉल्यूम जो है वो लिक्विड के अंदर है, 1/4 पार है। तो हम बोलेंगे अगर ये फ्लोट कर रहा है तो इसका जो भी वेट होगा विल बी इक्वल टू द बॉयंसी फोर्स, हाँ कि जो वेट होगा किसके इक्वल होगा, बॉयंसी फोर्स। मैं इसका वेट निकालूंगा, मास इस पूरे का है, ऑब्जेक्ट का है, तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड तो मुझे निकालना है, वॉल्यूम पूरा लेंगे हम इसमें क्योंकि पूरे का मास ले रहे हैं ना, वेट तो पूरे का ही होगा। अब मैं जब बॉयंसी फोर्स लूंगा तो बॉयंसी फोर्स में हम लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी दिखाओ मैं, और वॉल्यूम वो लेते हैं जो लिक्विड के अंदर, नहीं भाई 3/4 इंटू जी तो सेम ही है, यहाँ से वीजी वीजी कैंसिल हो गया, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड जो होगी वो 750 केजी पर मीटर, दैट्स ऑल। हाँ, अगर ये फ्लोट कर रहा है तो सॉलिड की डेंसिटी 750 केजी पर मीटर। एक फेमस फ्रेज होता है टिप ऑफ द आइसबर्ग, इंग्लिश में होता है ना एक फ्रेज हम यूज करते हैं, टिप ऑफ द आइसबर्ग, टिप ऑफ द आइसबर्ग क्योंकि ऐसे टिप ऑफ द आइसबर्ग बहुत ही छोटा है, पूरा आइसबर्ग फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड है, फ्लूइड मैकेनिक्स एक फ्रेज की भी मीनिंग बता रहा है, मतलब पहले की जो चीजें थी ना वो लैंग्वेज साइंस सब चीजें एक ही थी, तो अपन ने बना दिया है ये लैंग्वेज है, ये साइंस है, ये मेडिसिन है, पहले तो एक साथ ही सारे पढ़ते थे, एक ही साइंटिस्ट था वो फिलोसोफर भी होता था और वही साइंटिस्ट जो होता था वो इन्वेंशन भी करते थे, वो मेडिसिन में भी चला जाता था, पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सारे पढ़ते थे, है ना, एक्चुअली सारी चीजों को हमने अलग कर दिया, तो उसमें हम वर्ड यूज करते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, टिप ऑफ द आइसबर्ग, है ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब होता है कि मतलब बहुत छोटी सी चीज बाहर होती है, इसलिए होती है क्योंकि हम यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहे हैं, व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस, ये हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस, आइस की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है ये आपकी 0.9 है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस कितनी होती है 0.9, है ना, आइस की रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है, आइस आइस लाइट होता है कंपेयर टू द वाटर, तो जब भी कोई वाटर होगी ना तो कोई भी अगर आइसबर्ग होगा इस तरह से, है ना, तो आपको बहुत कम पोर्शन ही बाहर विजिबल, मोस्ट ऑफ द पोर्शन वाटर के अंदर होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि टिप ऑफ द आइसबर्ग, कि भाई मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो अंदर है, है ना, जो बहुत कम वॉल्यूम है वो बाहर, मगर आपको ये निकालना है कि कितना फ्रैक्शन बाहर दिख रहा है, भाई टोटल वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन बाहर दिख रहा है, तो अगर रिलेटिव डेंसिटी 0.9 है ना, है ना, तो सिर्फ इसका 1% बाहर, है ना, रिलेटिव डेंसिटी अगर इस तरह से है तो सिंपल सा हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं कि ये आइसबर्ग फ्लोट कर रहा है, यहाँ पर वाटर है, तो अगर ये आइसबर्ग फ्लोट कर रहा है मतलब इसके वेट को बॉयंसी फोर्स बैलेंस कर रहा है ना, तो हम ये निकालना चाहते हैं कि टोटल आइसबर्ग के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन बाहर है, कितना वॉल्यूम बाहर है, हम निकाल सकते हैं, आप इसे भी ऐसे लिख लोगे कि भाई वेट इज इक्वल टू बॉयंसी फोर्स, सेम जैसे आपने उसमें किया था, वेट किस में आ जाएगा कि वेट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वैसे कि आपके बॉयंसी फोर्स, सेम चीज, है ना, सिंपली से वेट इज इक्वल टू बॉयंसी फोर्स, तो आप पता है मास तो उस पूरे आइसबर्ग का है ना, तो उसकी डेंसिटी हो जाएगी 0.9 × 10^3, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तब उसकी डेंसिटी आएगी, इनटू वॉल्यूम पूरा इनटू जी, जब बॉयंसी फोर्स लेंगे तो वाटर की डेंसिटी लेंगे और वो फ्रैक्शन जो सबमर्ज्ड है इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम वीडी इनटू जी, है ना, यहाँ पे वीडी जो है मैंने यूज किया है डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, है ना, आपको यहाँ से ये टर्म तो कैंसिल ही हो गया, ये जी भी कैंसिल हो गया, तो जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगी वो 0.9 ऑफ बी होगा, है ना, 0.9 ऑफ बी होगा मतलब 90% जो होगा वो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम का जो 90% होगा ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम,
90% पोर्शन इसका अंदर है और सिर्फ ये जो 10% है ये बाहर। तो इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि ये चीजें बहुत लार्ज है, जो आप देख रहे हो टिप ऑफ द आइसबर्ग के देख रहे हो सिर्फ 10% पोर्शन, 90% लिक्विड के अंदर क्या है आपका सब जो टिप ऑफ द आइसबर्ग फ्रेज है इसी 10% की वजह से क्या इस जब फ्लोट करती है तो टोटल वॉल्यूम का सिर्फ 10% बाहर, 90% लिक्विड के क्या होगा सके आपका वो रिलेटिव डेंसिटी डिसाइड कर लेते हैं। बिल्कुल सर, हाँ शुभम सर कैन यू शो द बोर्ड अगेन, अभी अभी शो कर रहा हाँ नन्या सिंह लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपका सही था 750। यस सर डन है ना ये आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। कोई सबके आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है सबके सेम आंसर आना चाहिए। हाँ तो मुझे देखते ही लग रहा है कौन सा आएगा ऑप्शन, इसमें इतना सॉल्व करने का भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ संस्कृति जैन आंसर इज करेक्ट, अंकित वर्मा योर आंसर इज करेक्ट, अमन गुप्ता वो देखना क्या चीज हाँ रशीद योर आंसर इज करेक्ट, मिसिमी योर आंसर इज करेक्ट,
जो आपने अभी तीन चैप्टर सब पढ़ लिए ना, लॉज ऑफ मोशन, मोशन है ना, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, मोशन एंड ग्रेविटेशन एंड ये फ्लूइड वाला पोर्शन, आप किसी भी लेवल का एग्जाम दो, ओलंपियाड से लेके कोई भी चीजें है ना, नेक्स्ट ईयर एनटीएससी भी दोगे, इस साल जीएसटी भी दोगे, आपको बहुत ही फायदा होगा। मैंने सारा कुछ पढ़ाया, कोई चीज छोड़ा नहीं, जब कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें मैं कुछ चीज छोड़ता नहीं हूँ, सब कुछ बताया मैंने। सही है आदित्य कुमार, योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, इसमें ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है, ये तो सिंपल सा है, इसने बोला है कि भाई ये कोई अगेन ये वाटर की वर्ड यूज कर रहा है ना, कि भाई ये जो सबमर्ज है वाटर में सबमर्ज है, तो आसान हो गया भाई, जो चीज सबमर्ज है वो किसमें सबमर्ज है, बेसिकली आपका वाटर में है ना, वाटर में जब सबमर्ज है तो कुछ वॉल्यूम इसका बाहर है, जो वॉल्यूम बाहर है वो 0.4 सेंटीमीटर क्यूब, ये ध्यान रखना है, तो आपको तो बाहर से मतलब नहीं अंदर से मतलब होता है, तो टोटल इसका जो वॉल्यूम है वो आपको 10 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, सॉरी ये 4 है, टोटल 10 है, तो 6 सेंटीमीटर क्यूब अंदर होगा, यही चीज तो हो जाएगी डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और अगर ये फ्लोट कर रहा है मतलब वेट एंड बॉयंसी फोर्स क्या होंगे, सेम होंगे ना, तो वेट जब हम यूज करेंगे तब तो उसका यूज करेंगे, उसकी डेंसिटी कोई रो एस ले लो, वॉल्यूम 10 ले लेंगे इनटू जी आ गए है ना, यहाँ पे वाटर का डेंसिटी लेंगे तो क्योंकि सेंटीमीटर में है ना, तो 1 ले लेंगे, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 1000 केजी पर मीटर है ना, तो यहाँ 1 ले लो, इंटू डिस्प्लेस वॉल्यूम आपका 6 इंटू जी, यहां से जी जी कैंसिल हो गया, रोएस की वैल्यू जो आ गई वो 0.6, दैट इज अ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, इसके लिए आपका सही है, ये ऑप्शन जो होगा वो सही है। तो कई बार आप जो ये चिप्स इसके पैकेट खरीदते हो तो आपको बुरा नहीं लगता, जैसे मार्केट से आप चिप्स खरीदने जाते हो ना, तो है ना लेज वगैरह खरीदा आपने, आपको बड़ा बुरा लगता है, तो इसलिए लगता है कि इतना बड़ा पैकेट दिखने में लिखता है, लिखा होता है जंबो पैक नहीं, तो बड़ा खरीद कर आते हो, जैसे आपने खोला उसके अंदर चिप्स तो थोड़ी सी होती है नहीं, है? चिप्स जो होती है उतनी ज्यादा नहीं होती जितना बड़ा पैकेट दिख रहा होता है, तो मतलब आपने दुकानदार से लड़ाई नहीं की कभी, भाई जो तुम क्या कर रहे हो हमें वेट कम दे रहे हो, वेट इसलिए कम दे रहे हो कि इसमें तो लिखा है चिप्स का वेट 50 ग्राम है ना, चिप्स जो है 50 ग्राम होना चाहिए, लेकिन आपने तो इसके अंदर हवा डाल रखी है ना, हवा डाल के फुलाया हुआ, हवा डाल के इसने ताकि वो ब्रेक वगैरह नहीं है ना, तो आपको लगेगा कि भाई आपको 50 ग्राम लिख रहे हो है ना, वो वेइंग मशीन पे आप ये गलत बोल रहे हो कि 50 ग्राम है, क्योंकि जैसे आप वेइंग मशीन में चिप्स का पैकेट रख रहे हो तो आप ऐसे बताए चिप्स का वेट तो चलो कोई M1 हो गया, M1G है ना, प्लस एयर का भी तो वेट होगा MG, M एयर इनटू जी है ना, तो ये तो एक्स्ट्रा है ना, इसका तो मुझे चिप्स आपने दिया नहीं, मैं आप वेट करके बता रहा हूँ नहीं, हाँ मैंने 50 ग्राम दिया है, 50 ग्राम में तो चिप्स का वेट प्लस एयर का वेट भी इंक्लूडेड है, ऐसे अगर हम एयर निकाल लेंगे सारी तो फिर चिप्स का वो, हाँ नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब उसने वेइंग मशीन पे रख के दिखा दिया नहीं कम नहीं है, जब मैं वेइंग मशीन पे रख रहा हूँ तो वेट इसका जो है वो 50 केजी आ रहा है, लेकिन आप उससे अग्रूमेंट करोगे कि भाई वेट MG चिप्स का है, बस इसके अंदर आपने हवा भी भर रखी है, उसका भी तो कुछ वेट है, एम एयर इंटू जी है, मुझे तो इन दोनों को मिला के 50 ग्राम मिल रही है, हो सकता है 10 ग्राम एयर भर रखी हो, ये 40 ग्राम है ना, तो 10 ग्राम चिप्स मुझे कम दे रहे हो, तो क्योंकि आपका आर्गुमेंट तो सही है या उसमें कुछ मिस्टेक है, मैं भाई आपने बोला भाई आपने
टोटल चिप्स 50 ग्राम इंडिकेटर तो शो कर रहा है यहाँ पे वही मशीन में, है ना, ये तो शो कर रहा है कि भाई जो 50 ग्राम चिप्स का वेट है, लेकिन आपको बोल रहा नहीं चिप्स को सिर्फ 40 ग्राम है, 10 ग्राम तो हवा रखी इसके अंदर, हवा का चार्ज अंदर नहीं, क्या ऑर्गूमेंट में गड़बड़ है ना, ऑर्गूमेंट में गड़बड़ है। गड़बड़ ये है ना कि ये एक्चुअली में यही 50 ग्राम, क्योंकि आपको पता है हम एक वर्ड यूज करते हैं ना फ्लूइड मैकेनिक्स, हम वर्ड यूज कर रहे हैं कि जो भी कोहेसिव फोर्स है ये सिर्फ लिक्विड के लिए वैलिड नहीं है, फ्लूइड का मतलब लिक्विड एंड गैस दोनों होता है, मतलब जो भी कोहेसिव फोर्स है वो गैसेस के लिए वैलिड है, अगर आप एयर को भी डिस्प्लेस करोगे तो कोहेसिव फोर्स लगेगा, जैसे वाटर को डिस्प्लेस करने पर लग रहा है वैसे एयर को भी डिस्प्लेस करेंगे तो कोहेसिव फोर्स लगेगा। होता क्या एक्चुअली ये डायग्राम हम गलत बना रहे हैं, ये तो सही है, ये वेट ऑफ द चिप्स हो गया, ये वेट ऑफ द एयर हो गया, इसमें डायग्राम में एक गड़बड़ हो गई, हमने यहाँ पे एक बॉयंसी फोर्स ले ली, यहाँ पे बॉयंसी फोर्स बनाना चाहिए क्योंकि ये भी तो एयर को भी तो डिस्प्लेस कर रहा है सराउंडिंग की, है ना, और ये बॉयंसी फोर्स किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, यहाँ पे डिस्प्लेस आप किस क्या कर रहे हो, एयर ही तो कर रहे हो, तो जितना इसके अंदर एयर फिल्ड है एम इंटू जी इतने अमाउंट का तो वॉयसी फोर्स लग जाएगा, जितना अमाउंट का एयर अपने अंदर भर रखा है उतना ही वॉल्यूम में डिस्प्लेस भी कर रहा है तो उतने अमाउंट का वॉयसी फोर्स के ऊपर लग, मतलब ये वाला टर्म तो कैंसिल ही होगा ना, तो जो मेजर कर रही है वही मशीन उससे किसी को मिल रहा है, तो सही आर्गुमेंट जब स्कूटी काम ही होता है गुस्सा में आता है और साइज बड़ा देखे, है ना, हमेशा रखना की जो एयर है उससे ही वॉयसी फोर्स लगता है ना, मैं भी खड़ा हूँ मेरे ऊपर भी वॉयसी फोर्स लग रहा है, तो मैं भी तो एयर डिस्प्लेस कर रहा हूँ, लेकिन वो है कि ग्रेविटी की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि वो इफेक्ट जो है नेग्लिजिबल, वो इफेक्ट जो है वो क्या है आपको ध्यान रखना कि कोई भी चीज अगर वो लिक्विड को डिस्प्लेस कर रही है एयर को डिस्प्लेस कर रही है तो एक वॉयसी फोर्स जरूर लगता है और वो इक्वल होता है जितना एयर इसमें डिस्प्लेस की, दोनों कैंसिल हो गए, वेट ऑफ द चिप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मतलब गैसेस में भी बॉयंसी फोर्स लगता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा कर सकते हो आप इसमें, ये कर लिया आपने, हाँ यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, हाँ ये सही क्वेश्चन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स रिलेटिव डेंसिटी,
माइक म्यूट सर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल एंड वाटर ऑयल के रिलेटिव डेंसिटी क्यों रिलेटिव डेंसिटी वैसे वर्टिकल सेट पे वाटर की तो रिलेटिव डेंसिटी वन होती है द माइक म्यूट करूं किसी का माइक ओपन है सर क्या मेरा आंसर कर मैं तो चेक करता हूँ उदित सिंह योर आंसर इज करेक्ट सिंह नहीं है कुमार है सर शर्मा हाँ सर कुमार है अच्छा मैं देखता हूँ जरा सर युग शर्मा योर आंसर इज करेक्ट बाकी तो ऑप्शन नहीं आ रहा है अच्छा उदिता कुमार है आपका नाम हाँ सर अच्छा यहाँ पे सिंह लिखा हुआ है अच्छा सर वो आदित्य सर ही इज आदित्य कुमार वो वाला बच्चे आदित्य कुमार अच्छा अच्छा आदित्य कुमार सही आंसर नहीं बेटा ये वाला अच्छा ये सही नहीं है ठीक है आदित्य सिंह का सही है मिसी में सही आपका आंसर सर इसमें आंसर करेक्ट सर अमन गुप्ता ना अमन गुप्ता ही आंसर नहीं है बेटा जो आंसर सही होगा जरूर मैं बताऊंगा थोड़ा ऊपर नीचे तो नहीं हो गया देख लेना जरा सा एक बार गड़बड़ हो जाती हाँ अमन गुप्ता अब आपका आंसर सही है शुभम योर आंसर इज करेक्ट
ठीक है है ना, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना, मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, तो सिंपल सा आ जाएगा ऐसा, है ना। मैं बताता हूँ, देखो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ना बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या होगा अगर ये फ्लोट कर रहा है तो वेट बॉयंसी फोर्स को बैलेंस करेंगे, वेट इज इक्वल टू बॉयंसी फोर्स हो जाएगा, बॉयंसी फोर्स में हम डेंसिटी ऑफ द वाटर यूज कर लेंगे, है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर को मैं रो डब्ल्यू लिख लेता हूँ, वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, एंड थ्री फोर्थ वॉल्यूम इसका सबमर्ज। अगर ये फ्लोट कर रहा है तो वेट तो इसका सेम ही है ना, बॉडी तो सेम ही है, अब डेंसिटी ऑफ द ऑयल हो गया, आप हाफ वॉल्यूम सबमर्ज कर रहे हैं अभी जी, ना कैसे प्रश्न दिया हुआ है इस क्वेश्चन में जो इसने बोला हुआ है, मैं कैसे यही केस है, चेक करो जरा। हाँ वन थर्ड ऑफ वॉल्यूम है मतलब, अच्छा वन थर्ड है, सॉरी वन थर्ड है, मीन्स टू थर्ड वाटर के अंदर, Yes, sir. ये आपका टू थर्ड, वन थर्ड था ना, वन थर्ड बारह मीटर टू थर्ड वाटर के अंदर, और ये आपका ऐसा आ गया, दोनों वेट को बैलेंस कर रहे हैं, वो दोनों इक्वल है, तो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड रिलेटिव डेंसिटी सेम चीज होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड रिलेटिव डेंसिटी सेम चीज होती है, ये जो चीज होगी ना ये आपकी हो जाएगी डेंसिटी ऑफ द ऑयल बाई डेंसिटी ऑफ द वाटर, दोनों को इक्वेट करके जब हम निकालेंगे तो इससे आपका जो आंसर आएगा मेरे ख्याल से बी ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन में सी 4/3 है, 4/3 ऑप्शन क्या रहेगा आपका, 4/3 है, हाँ तो 4/3 आपका आंसर बी ऑप्शन सही आ जाएगा, तो भाई दोनों वेट को तो बैलेंस कर रहे हैं, डेंसिटी अगर चेंज हो रही तो वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो 4/3 आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, अभी एक क्लास इसमें और लगेगी, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो इन दैट टाइम आई विल कम अप विद द डिजिटल बुक विद नेक्स्ट चैप्टर, या कट ये कर लिया हमने, ये कर लिया, हाँ चलो इसको कर लो, ये सही है, जब भी किसी चीज को लिक्विड में सबमर्ज करेंगे ना तो उसका एपरेंट वेट कम हो जाता है, हाँ सही है, अच्छा इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं जाता, सही तो है, अभी सही है, सही है, कुशाग्र भी सही है, अमन का भी सही है ना, अंकित वर्मा का भी सही है, बड़ा जल्दी हो गया, तो आसान क्वेश्चन था ये, है ना, मयंक शुक्ला का भी सही है, सही है, तो एयर की बॉयंसी फोर्स को इसने नेगेटिव, आदित्य कुमार सही है, उत्कर्ष सही आंसर है आपका, उत्कर्ष योर आंसर इज करेक्ट, है ना, सही आंसर है,
मिस मी सही आंसर है, शुभम अग्रवाल आंसर इज करेक्ट। Ananya Singh, your answer is correct. Yuk Sharma, your answer is correct. Chalo, is answer to this question is 1 newton only. ये बायंसी फोर्स 1 न्यूटन होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। कुछ नहीं है, जब एयर में होगा तो बायंसी फोर्स लग रहा होगा लेकिन वो बहुत कम। जैसे बोला कि जब एयर में था तो इसका जो वेट था mg वो आपका था 4 न्यूटन। जब लिक्विड में होगा तो वेट तो नीचे लग ही रहा होगा लेकिन एक बायंसी फोर्स ऊपर भी तो लग रहा होगा, तो इसके डिफरेंस को कोई भी वेइंग मशीन रीड करेगी ना, तो स्प्रिंग बैलेंस से जब रीड करेंगे वेट और बायंसी फोर्स के डिफरेंस को रीड करेगी। जब वेट में बायंसी फोर्स का डिफरेंस है वो 3 न्यूटन है, वेट और बायंसी फोर्स का डिफरेंस है वो कितना है आपका 3 न्यूटन है। वापस बात दोनों में डिफरेंस बायंसी फोर्स का ही था, यहां से बायंसी फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 न्यूटन है। तो कोई भी चीज लिक्विड के अंदर उसका वेट अपरेंट वेट कम हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि एक बायंसी फोर्स है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही क्या हो जाएगा पॉइंट से। तो बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन इज द करेक्ट। दैट इज ऑल फॉर टुडे, है ना। अपने डाउट्स थोड़े से इकट्ठे करो, यस सर। ट्यूसडे को जो डाउट क्लास होगी पढ़ा होती है ना, तो कोशिश करना कि जितना आपने जो 3 चैप्टर्स पढ़े हैं ग्रेविटेशन फ्लूइड एंड मोशन एंड इसके डाउट, ठीक है सर, फिर उसमें आपको कोई डाउट होना चाहिए तो उसके बाद फिर वी स्टार्ट द नेक्स्ट वर्क एंड एनर्जी हम स्टार्ट। ओके बाय सर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे सर, बाय बाय, बाय बाय।